नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गए हैं विदेश और विदेश जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अहले सुबह विजय चौधरी के आवास पहुंच जाते हैं और दो मिनट से भी कम रुकते हैं और फिर अपने एक अन्य मार्ग आवास वापस आ जाते हैं। आज फिर से मुख्यमंत्री अहले सुबह अपने जो दीपक कुमार हैं उनके घर जाते हैं, दो मिनट से भी कम रहते हैं और वापस आ जाते हैं। लगातार दो दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी तरीके से नजर आ रहे थे। बीते जो अक्टूबर महीना था, सरकार गिरने से पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम मंत्रियों के घर जा रहे थे, मिल रहे थे और दो मिनट से भी कम समय देते थे और ठीक उसी प्रकार से वापस लौटते थे, और कहीं ना कहीं वही चीज फिर से एक बार देखने को मिल रहा है। पहला तो जो तेजस्वी यादव के मौजूदा जब सरकार में शामिल थे तेजस्वी यादव, उस वक्त एक पत्रकार और अशोक चौधरी के सिर को टकराते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। एक बार फिर एक लंबे अंतराल के बाद विजय सिन्हा और प्रेम कुमार और अशोक चौधरी का सिर लड़वाकर और उसके बाद विजय सिन्हा और अशोक चौधरी के सिर में लगाया, क्योंकि वो टीका किए हुए थे। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें एक बार फिर से लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देखने को मिल रही है। कयास तो कई तरह के लगाए जा रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई फिर से बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी अपने जो दीपक कुमार है उनके घर चले जाते हैं, विजय चौधरी के घर चले जाते हैं और अलग अलग जो उनके कैबिनेट के मंत्री हैं तो अचानक उनके घर पर चले जा रहे हैं और यह सिलसिला इन दो दिनों से देखने को मिल रहा है। दरअसल कल नीतीश कुमार विजय चौधरी के घर चले गए और दो मिनट से कम भी ही रुके और उसके बाद फिर वापस कहीं गए नहीं, एक अन्य मार्ग आगे। आज फिर अहले सुबह जो है वो निकलकर दीपक कुमार के यहाँ जाते हैं और फिर अपने घर वापस लौट जाते हैं। आखिरकार क्या चल रहा है? क्या बिहार में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है? क्या ये संकेत दे रहे हैं मुख्यमंत्री? क्या आने वाले वक्त में फिर से बिहार में किसी प्रकार की उलटफेर हो सकती है? ये चर्चा चल रही है। पक्ष के नेताओं के द्वारा ये कहा भी जा रहा है कि इस बार देश में जो सरकार बनी है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि बैसाखी पर सरकार है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में लगातार ये लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ऑफर मिला, ये बात केसी त्यागी ने कहा था। हालांकि इस बात का खंडन संजय झा ने खुद कर दिया कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों दिल्ली जा रहे थे, मीटिंग थी एक इंडिया की और एनडीए की, वो तस्वीरें याद करिए किस प्रकार से दोनों नेता एक ही फ्लाइट से जा रहे थे। कुछ दूर तस्वीरें आगे पीछे बैठी हुई नजर आई, लेकिन फिर बाद में जो तस्वीरें आई नीतीश तेजस्वी दोनों एक कुर्सी पर बैठे थे। कहीं ना कहीं ये तमाम कड़ी को जोड़ के देखा जाए तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में बिहार में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर हो सकता है। लेकिन क्या होगा ये तो 29 तारीख को देखना होगा कि आखिरकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का जो एजेंडा होता है वो एजेंडा क्या होता है और उस एजेंडे को पास करने के बाद क्या कुछ साफ होता है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल प्रणेश प्रणेशन के साथ नमस्कार।